अगर इनकी माँ तबीयत खराब होती, इनकी समझा समाप्त होती, ये सस्पेंड होते, इनके दिल पे क्या तो बता। और कहते तेरी ताकत वो तो रोक के दिखा दे। कौन की इनकी नैतिक जिम्मेदारी है अधिकारी अभी बच्चन ने पा रहे जिनने पा रहे। अच्छा मोदी जी ने क्या कहा था, समान वेतन समान कर, समान वेतन समान कर, वो क्यों नहीं हुआ? नहीं करते हैं तो आप वोट देंगे ना दंगे हमारे साहब ये कूद ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, इन जिम्मेदारों के बारे में क्या सोच रही है सरकार, इनके बारे में क्या सोच रही है? ओनली वोट, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी को वोट दे दो साहब। सरकार तो ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, सरकार तो ये कहती है हमने बहुत कुछ किया है। जनता क्या किया भैया? दर्शक को हम अभी मौजूद हैं मथुरा के रोडवेज डिपो में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोडवेज डिपो है और यहाँ पे कुछ अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचारी के कारण आज लोग बेघर होने को मजबूर हैं, जिनकी माताजी बीमार हैं, जो अपनी माताजी का इलाज करा रहे हैं, उन लोगों से जो है 200-300 रुपए की रिश्वत मांग के, अगर वो रिश्वत नहीं देते हैं तो उनकी अनुपस्थिति लगा दी जाती है और एआराम साहब को रिपोर्ट दे दी जाती है और वो व्यक्ति आज भुखमरी की कगार पे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ के एसएसएस साहब बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे कि जो लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं कि उनसे 200-200 रुपये की मांग की गई है किसी बाबू के द्वारा और 200-200 रुपये की मांग करके उनको जो है आज उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। ये बड़ा घोटाला है इस रोडवेज विभाग के अंदर कि एक तो वैसे ही कोविड में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और जो लोग नौकरी कर भी रहे हैं और उनको उनसे जो है रिश्वत की मांग करके अगर व्यक्ति रिश्वत नहीं देता है तो उनसे जो है उनकी जो है संविदा समाप्त कर दी जाती है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर पैसा दोगे, योगी जी आप जहाँ कहते हो कि भ्रष्टाचार खत्म है, वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो मथुरा की इस डिपो में किस तरीके का भ्रष्टाचार है। मात्र 200 रुपये को लेके अपना ईमान बेच चुके हैं ये लोग। ऐसा ही एक मामला जब हमारे पास आया तो हम यहाँ डिपो में पहुँचे। आइए बात करते हैं उस पीड़ित से जिससे 200 रुपये की मांग की गई और उसकी संविदा समाप्त कर दी गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णवीर सिंह है, संविदा चालक हूँ मथुरा डिपो से। कहाँ के रहने वाले? मैं नगला गुआ से बिलोंग करता हूँ, मथुरा जिले का रहने। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि मैं 26/7 में 20/21 यहाँ ड्यूटी करके गया, अचानक से मेरी माता जी की तबीयत खराब हुई, इस कारण मैं यहाँ 27 तारीख को यहाँ एप्लीकेशन देने आया राकेश गोयल जी के लिए, BI हमारे मथुरा डिपो। उन्होंने मुझसे खर्चा पानी की बात की, महीनों के लिए पैसा नहीं दिया, इस कारण में उन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन नहीं चढ़ाया। अब इसमें मेरी लॉन्ग एब्सेंट में इन्होंने मेरी संविदा समाप्त कर दी। अगर इनकी माँ तबीयत खराब होती, इनकी संविदा समाप्त होती, ये सस्पेंड होते, इनके दिल पर क्या बीतता? अच्छा तो कितने रुपए की मांग की गई आपसे? मुझसे खर्चा पानी मांग की गई 200, 250, 500, 400 रुपए। अच्छा तो आपसे ही मांग की जाती है, अन्य इत्यादि जो भी सब अधिकार सब सब कर्मचारियों से मांग की जाती है यहाँ डिपो कर्मचारियों से ऐसे इसी तरीके से इसी स्थिति में लिए जाते हैं। क्या नाम है उनका जो पैसे की मांग करते हैं? राकेश गोयल BI है। आपने कभी किसी अधिकारी को शिकायत की कि साहब इस तरीके का मामला है कि क्या है? काफ़ी लोगों से कर चुके हैं, आराम साहब के भी संज्ञान में है, बस आराम साहब के संज्ञान सबके संज्ञान में बात है। आपने इनको सुना, इनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ये अचानक गए और इन्होंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद क्या नाम था उनका जिन्होंने आपसे 200 रुपए की मांग की थी? राकेश गोयल जो यहाँ पे DI है, उन्होंने इनसे खर्चा पानी की मांग की 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक की इनसे मांग की गई और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी इनकी अनुपस्थिति लगा दी गई और अनुपस्थिति का जो है हवाला देके इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। आइए SSS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? संतोष अग्रवाल जी। गोयल साहब बताएं, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ये शिकायतें की हैं तो क्या मामला है पूरा? देखिए ये अब आपके सामने बता रहे हैं कि इन्हें 200 रुपये डिमांड की गई थी, इनके द्वारा कभी भी उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। ये मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं, कभी कोई बात बताते तो सुनने निकाला जाता। सर अभी हमारी ANM साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेके ये कहा था कि एप्लीकेशन देंगे, मैं उन पर कार्रवाई करूँगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग यहाँ आए तो ओरल हमसे बात हुई, तकरीबन 20 लोगों से हमारी बात हुई, 20 लोगों ने यही बताया कि हाँ जी इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो 20 लोगों से अभी बात हुई होगी, 5-10 आदमी यहाँ होंगे, एक बार मेरे सामने रू रही बात करा रहे हैं कौन पैसा मांग रहा है, मेरे तो समझू बोस मैंने आज तक वो कौन है आपके यहाँ पे किस चीज़ पे पोस्टेड है? वो BI के पोस्ट पे हैं, मेरे हिसाब से तो बढ़िया आदमी है। अब इनका क्या कारण था? या तो हाँ
ड्यूटी में हिसाब नहीं होता, ये सरकारी नौकरी है, इसमें हिसाब नहीं होता, हिसाब नहीं, कर्मचारी और अधिकारी का जो है निर्वाण होता है, निर्वाण होता है, हाँ समझ रहे हैं, हाँ, इसमें हिसाब नहीं होता, हिसाब नहीं। मैं आपकी आपके चैम्बर को, आपके विभाग को जो है बदनाम कर रहा है, और आपको पता ही नहीं आपके नाक के नीचे वो व्यक्ति आपके जो है विभाग को बदनाम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ईमानदार आदमी है वो। अब कोई 10-5 आदमी आपको बता रहे हैं, वो बताएं, लिख के दें तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। मेरे हिसाब से तो आदमी को ईमानदार आदमी है। सर क्या इन्होंने आप एप्लीकेशन नहीं दिया यहाँ पे कि सर मेरी माताजी की तबीयत खराब है? देखो बस, देखो बस, जी रजिस्टर है, समझो बात है, रजिस्टर ये तारीख है 27 तारीख से 27 जुलाई से एब्सेंट चले जा रहे हैं वो जी, तो हाँ छब्बीस को किया ना, 27 से बता रहे हैं, 27 से एब्सेंट है पूरे जुलाई में, अगस्त में, जबकि अगस्त में भी रक्षा मंत्री तो आया था, समस्त सबका निवेश थे, जे नहीं आए ना इनको कोई एप्लीकेशन है, जिसकी एप्लीकेशन आधी रस्ते में चलती है। मैं 27 में आया था, राकेश चाचा यहाँ बैठे थे, उनके लिए मैं एप्लीकेशन दे रहा था, मैंने उसे मना कर दिया, जो कुछ है उसको राकेश चाचा ने मना कर दी, ठीक है, तो आप उस तत्काल भी दे सकते थे, हमें बताते। अगर अगर आपकी मेरी जगह पे आपकी माँ बीमार होती आप क्या करते साहब? अरे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, राकेश ने ली तो मेरे पास तो, अगर राकेश जी की माँ बीमार होती वो क्या करते? इनका जो काम होता है, मानिए ये जो अगर कभी भी एप्लीकेशन देते हैं तो राकेश जी को देने का हक है, आपको देने का है? देखो राकेश जी को दी, राकेश ने ली। सर मैं केवल आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, इनका जो खर्च है वो किसको देने का है, राकेश जी को या आपको? पहले तो राकेश जी के माध्यम से मेरे पास आती है, अगर राकेश जी लेते देने का है ना सर? हाँ, तो राकेश जी ने एप्लीकेशन नहीं ली, मुझसे एप्लीकेशन नहीं ली राकेश जी ने, राकेश जी ने किस चीज को लेके नहीं ली क्या? इसलिए खर्चा पानी के लिए नहीं ली मुझसे। अच्छा खर्चा पानी हाँ। नहीं दिया इसलिए एप्लीकेशन नहीं ली सर? नहीं ली। आपके सामने आपका कर्मचारी, आप कह रहे हो मेरे सामने लाइए, आपके सामने कर्मचारी, मैं कह रहा हूँ अगर आदमी कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उच्च अधिकारी भी बैठे हैं, जैसे मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी इनसे पूछो। उसकी माताजी की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में था, कैसे आपके पास आ गया था आप बताइए? नहीं तो ये एप्लीकेशन लाई कहाँ थी? तभी तो आके नहीं, राकेश को दी होगी ना, आके ही तो दी होगी बॉस, मैं भी तो यहीं बैठा था जी। या मुझे फोन पे कर देते, मुझे बता देते जी, नहीं और भी सब आती है, कुछ समस्या आती फोन में सुनता हूँ। नहीं तो अभी आपके सामने वो कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पीछे से कुछ कह रहे हैं, आपके सामने वो कह रहे हैं। बॉस अभी बताओ, ये बात 27 जुलाई की है, उसके बच्चा जी मुझे फोन भी कर देते कोई ऐसी बात है, या ARM को कर देते, तो वो तमाम सिस्टम बना हुआ है बॉस को, ऐसा नहीं है। देखो मैं रसीद दिखा रहा हूं, मैं 26 तारीख का ड्यूटी की है, मैं कैमरा में चलूंगा, एक बार दिखाएं, 26 तारीख का मैं ड्यूटी की, ये रसीद है इनकी जो इन्होंने ड्यूटी की है, मगर इनकी अनुपस्थिति लगा के इनको जो है इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। नहीं, वो ये तो 26 जुलाई की है। आप देख सकते हैं कैमरे में, अपने किसी भी कर्मचारी को जो भ्रष्टाचार में लिप्त है बचाने का कितना अच्छा प्रयास किया जा रहा है, एक कर्मचारी उनके सामने ये कह रहा है कि मुझसे पैसे की मांग की गई है, मगर विभागीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो बहुत अच्छे आचरणों का व्यक्ति है, जबकि जो पीड़ित है वो पीड़ित उनके समक्ष खड़ा होकर यह आरोप लगा रहा है कि मुझसे 200 रुपये के से लेके 500 रुपये तक के खर्चे की मांग की गई है। हमारे साथ अभी कुछ कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें, आइए जानते हैं क्या मामला है। जी क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस। क्या काम करते हैं आप डिपो में? डिपो में चालक हूँ। तो क्या मामला है, क्या समस्या? मामला ये है सर, चालान होते हैं तो वो हमें भरना पड़ता है, गाड़ियाँ विभाग की चला रहे हैं तो विभाग को भरना चाहिए। नहीं तो ऐसा ऐसा कोई जियो है कि चालान जो कटेगा किस तरीके का चालान कटता है वो आपको भरना पड़ता है? कितने रुपए का चालान कटता है? किसी का 5 आपको मिलती है, किसी का 5,000 का हो जाए, 4,000 का हो जाए, 3,000 का हो जाए, 500 का हो जाए, वो हमें ही भरना। सैलरी मिलती है आपको? सैलरी का है 5,000 मिल जाए, 6,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए बस। अच्छा 10,000 तक सैलरी मिलती है, अगर महीने में एक चालान कट गया आपका 5,000 का तो 5,000 आपको भरने पड़ेंगे पूरे महीने आप जो है यहाँ पे ड्यूटी करोगे। हाँ। और अगर महीने में एक या दो चालान कट गए तो 10,000 की तनख्वाह आपकी ऐसी चली जाएगी, हमें भरना पड़ेगा। एक महीने जो आप रहोगे वो वैसे ही आप देख सकते हैं कितना विचित्र मामला है कि एक जो ड्राइवर है संविदा पे लगा हुआ है व्यक्ति अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए 10,000 रुपये मात्र की तनख्वाह पे यहाँ लगा हुआ है, और अगर किसी भी बस का कहीं भी चालान कट जाता है, मान लीजिए अगर 5 से लेकर 10,000 तक का कोई चालान कट गया तो 10,000 रुपये इन ड्राइवरों को अपनी जेब से भरना होगा। वारे मेरे रोडवेज विभाग, क्या कहने हैं तुम्हारे कि 10,000 रुपये की तनख्वाह करने वाला 10,000 के तो चालान ही भर देगा, तो ये अपने बच्चों को पालेगा तो पालेगा कैसे? कुछ लोग और हैं, कहाँ हैं जो लोग अभी आरोप लगा रहे थे वो कहाँ हैं? जी क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी क्या मामला है? चालान तो होते हैं तो हमें ही भरना पड़ता है चालान तो। नहीं तो कितने का चालान हो जाता है तकरीबन महीने में?
महीने में कभी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी गाड़ी सवारी उतारते समय पुलिस वाले कर देते हैं। कौन सी बस चलाते हैं आप? रोड निगम की बस चलाते हैं। जो बसें हैं वो चलाते हैं जी। तो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप बसें? अब तो इस समय तो मथुरा टूडा चला रहे हैं। अच्छा, तो कितने परिवार में कितने सदस्य आपके में? मेरे परिवार में 8 सदस्य। 8 सदस्य, सबका पालन पोषण आप ही करते हो, आपकी सरकार से होता है जी। और अगर चालान कट गए 10,000 के, तो फिर आप अपने परिवार को क्या खिलाओगे? क्या कुछ नहीं खिलाएंगे, क्या भूखे रहेंगे और क्या करेंगे उसमें? तो इसका प्रशासन की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपको ये अवगत कराया गया था जिस समय ड्यूटी लगी थी आपकी कि सर जो चालान कटेगा वो ड्राइवरों को भरना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा बोर्ड कभी कहीं नहीं रहा है किसी विभाग में कि चालान हमें भरेंगे। नहीं तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर चालान कट जाता है जिस समय आपकी जॉब जब लगी हमारी, देखो ऐसा होता है कि चालान जब होता है वो हमारी यात्रियों के प्रति होता है, ना कि हमारी कमी से। हम अपने स्वार्थ के लिए यात्रियों को नहीं उठाते हैं, हम निगम हित में ही यात्रियों को उठाते हैं, तो उसके प्रति हमारा चालान हो जाता है, तो उसी समय हम नहीं है जबकि निगम हित में हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो किस तरीके का चालान हो जाता है? जैसे कि नो पार्किंग, जैसे वहाँ पार्किंग हम सवारी नहीं ले सकते हैं और वहाँ सवारी यात्री खड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको लेना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम देश हित में कार्य कर रहे हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो उसका जब चालान हो जाता है तो उसके भरने वाले हम नहीं है। ये बॉन्ड में भी हम संविदा के चालक हैं, हमारे बॉन्ड में भी ये नहीं है कि आप चालान भरने का हकदार हो। आपके विभाग के कर्मचारी क्या कहते हैं? शोषण है, शोषण, टोटल शोषण है साहब, यहाँ से और ऊपर तक। क्या कह रहे हैं? हेलो, देखो जी, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा जी है। हाँ जी, मैं आपको पहले नंबर आपके माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग आ जाते हैं और किसी कर्मचारी के हित की आप कभी भी आपने कभी कोई वो नहीं की कि इनकी बातों को कहीं उठाया जाए। और इतने हमारे ये संविदा कर्मचारी हैं, आज तक जब से हमको जब लगे जब इससे हमारे को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि संविदावारों को परमानेंट किया जाएगा, ये बीजेपी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? इनको ये देखो, ये बेचारे संविदा के कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर, इनको 1,000 रुपये मिलते हैं, किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 10,000, चलो वो अलग बात है। बताओ अब इसमें भी, चलो इन्होंने बता दिया भाई चालान कट गया, वो भी ये भी, फिर इसको ये भरेंगे। अरे सुनो, चालान नहीं कटेगा। अगर हम निगम हित में कार्य अगर ना करें तो हमारा चालान कहीं नहीं कटेगा। हमारे पॉइंट हैं, जैसे दिल्ली का सराय कालेगांव हुआ, वहाँ पर अगर आप गाड़ी मोड़ के यूटर्न लगाते हो तो वहाँ चालान आपका होगा, क्यों? वहाँ नो पार्किंग है, पर वहाँ यात्री मिलते हैं। लेकिन वहाँ यात्री मिलते हैं, ये दिल्ली का बात है, जहाँ यात्री होंगे वहाँ ट्रैफिक होगा। अच्छा, और जहाँ ट्रैफिक होगा वहाँ यात्री भी होंगे। अच्छा, अधिकारियों वाली बात है, हमारे डिपो में मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो कि हमसे मतलब ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, इन संविदावारों के बारे में क्या सोच रही है सरकार? इनके बारे में क्या सोच रही है? ओनली वोट, बीजेपी को वोट दे दो जी। बीजेपी को वोट दे दो साहब। सरकार तो ये कहते कि हमने बहुत कुछ किया है, जनता क्या किया भैया? जनता का जो करो ठीक है, तुमने राशन दे दो भैया, फ्री राशन दे दो साहब, खूब फ्री दे दो राशन मिलेगो। लेकिन इनके बता 3,000 में भाई बच्चे लोग कैसे पेट भरूं? चलो मैं तो पाल लूंगा, चलो खेर को याद है, और 17 साल है करते। अब बताओ तुम, और दूसरे, हाँ अरे इतनी जरूर बात है, मैं इतनी और आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारा लोड फैक्टर 50 आ जाए तो, 60 आ जाए तो, 70 आ जाए तो, 10 आ जाए तो, बहनचो चंद 2% आ जाए तो, फिर भी बहनचो वही बात है लोड फैक्टर। लेकिन इनकी भी गलती ना है, क्यों ना है कि भैया एक का है या कोरोना ने भैया ऐसे ही कर दी? तो सर गलती किसकी है? गलती है सरकार की। अच्छा, और गलतियां हमारे कर्मचारी ने की। प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, ठाठ से भर के ले जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, RTO बताओ कहीं पर कोई रोकता है? और दादागिरी जो ले जाते हैं भाई का अंदर, भाई तेरी ताकत हो तो बता, जोर कहते तेरी ताकत हो तो रोक के दिखा दे। आपके उच्चाधिकारी क्या करते हैं? आपके उच्चाधिकारी, अच्छा जब मिल जाए तो मौका चालान कटवा दो, गाड़ी न को क्यों गाड़ी वाटी पुराने बस स्टैंड में भाई अधिकारी ने करी है, अधिकारी ने बंद कराई है। अच्छा, लेकिन अधिकारी रोज बैठे रहे वाटरी का, नहीं तो अधिकारियों की तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है? अधिकारियों ने पूरी जिम्मेदारी कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी कर रहे हैं? क्या संविदा खत्म कर दो किसी की? नहीं, संविदा वाली बात तो ऐसी है, मैं उस चीज को भी नहीं करना चाह रहा हूँ। संविदा वाली तो बात ऐसी है, देखो हम इसमें जब हम इसको कमा के देंगे, आप कह रहे हैं कि 5,000 की तनख्वाह मिल रही है, 5,000 का चालान कट गया, 5,000 इन्होंने भर दिए, तो एक महीने अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये जिम्मेदारी बनती है आपके अधिकारियों की? कौन की? इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, अधिकारी अभी बच्चे ने पा रहे हैं जिनने पा रहे हैं? अच्छा, हाँ
बिरंगे बच्चा ना है का जो बोल तुम। हाँ अधिकारी केवल अपने बच्चों को पालने में लगे हुए हैं, कर्मचारियों के बच्चों से कोई मतलब? तो कर्मचारी तनखा दिवा रहे हैं ना वो, तो क्या तनखा मतलब 5,000 की तनखा है और 5,000 का चालान? तो ये आप अपने माध्यम से कहो ना, आप अपने माध्यम से कहो जो कह रहे हैं। तो अरे मोदी जी ने क्या कहा था, समान वेतन समान कर, समान वेतन समान कर, वो क्यों नहीं हुआ? अब आगे साहब श्रीमान जी समान वेतन, रुक जा लल्लू, ओए ज्यादा नेता मतलब सुने, समान कर समान वेतन बता भैया, हम समान कर देखो। अब जो हमारे जो बैठे हैं जो बी आई साहब, जिनते ज्यादा हम काम कर रहे हैं कि ना कर रहे बताओ तुम, बताओ तुम, रेगुलर आदमी है, इनसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं कि ना कर रहे? लेकिन अब बताओ हमारे समान कार्य कहाँ से आएगा और समान वेतन कहाँ से आएगा? तो मोदी जी तो कहते हैं मैंने सबको बराबर किया है। तो भैया जो काम है तो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, भैया ये बताओ आपके सामने है? नहीं है। तो भैया बातचीत देख लो आप, हम तो ये कह रहे हैं समान कार्य समान वेतन लागू है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो है अभी भी जो है आप लोगों में भेदभाव किया जा रहा है? सुनो ये तो सुनो, अब राजनीति वाली बात मत करो हमसे। तो नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। हमारी तो यही है भैया, हमारे संविदा कर्मी ने भैया परमानेंट कर दे भैया, सरकार बेस्ट बॉस बेस्ट। अगर परमानेंट कर देगी तो फिर आप बीजेपी को वोट फॉर बीजेपी? अरे वोट फॉर बीजेपी अगर नहीं करते हैं तो आप वोट देंगे बीजेपी? ना देंगे हमने साहब, ये खुद ना नहीं देंगे, बिल्कुल ना देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम करवा दी भैया, ये बेचारे गाय गरीब आदमी है बेचारे, देखो जिन्हें काम मिल रहा है। बताओ आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि 3 से लेकर 10,000 तक की तनख्वाह मिलती है, उसमें भी अगर इनका चालान मान लीजिए किसी को 5,000 की तनख्वाह मिल रही है और 10,000 का चालान कट गया तो 5,000 घर से और देने पड़ेंगे। किसी के घर में अगर 8 सदस्य 8 सदस्यों का पालन पोषण वो खुद कर रहा है और उसकी तनख्वाह में से भी उसे घर से भी पैसे देने पड़ते हैं तो वो अपने बच्चों को पालेगा तो पालेगा कैसे? पुलिस की आवाज़ के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।